ओम शांति। आत्मा बनकर बैठे अपने मस्तक सिंहासन पर, ओम शांति। स्वयं भगवान ने आकर हमें राजयोग सिखाया, इस राजयोग से हमारे विकर्म नष्ट होते हैं। जब हम बाबा की याद में रहते हैं तो हमें बहुत ज्यादा सुख मिलता है। सचमुच यदि अतिंद्रिय सुख का अनुभव करना हो तो स्वयं को देह से न्यारा अनुभव करना होगा, अभ्यास करना होगा। ये देह मैं नहीं हूँ, मैं तो इसमें बैठी मस्तक के मध्य में विराजमान चैतन्य आत्मा हूँ। मैं पीसफुल हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। ये अभ्यास बार बार करने से चित्त शांत भी रहेगा और मन में बहुत सुखों का आभास भी होगा। ये ईश्वरीय सुख कल्प में एक बार ही हमें मिलता है। इसी याद से हमारे जन्म जन्म के श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण होता है। यही याद है जो हमारे मनोबल को बहुत बढ़ाती है, हमें सफलता प्राप्त कराती है और ईश्वरीय समीपता का सुंदर अनुभव कराती है। जीवन के हर फील्ड में जो कुछ भी हमें चाहिए वो योग अभ्यास के द्वारा प्राप्त हो जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने काम धंधों में इतने व्यस्त हो गए हैं कि याद के लिए हमें समय ही नहीं मिलता। हम धन कमाने की लालसा में इतने भाग दौड़ कर रहे हैं कि हमारी चेतना अंतर्मुखी होती ही नहीं। यह बुद्धिमानी नहीं है। जैसे लौकिक कमाई आवश्यक है, ये जन्म जन्म की कमाई भी परम आवश्यक है। जरा सोच कर तो देखो, सतयुग में हमारे पास क्या क्या होगा। एक जन्म की कमाई नहीं, तीन युगों की अथाह कमाई हम कर रहे हैं। दो युग तो हमें कमाना ही नहीं पड़ेगा और तीसरा युग सब कुछ सहज प्राप्त होगा। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य बाबा हमें देने आया है, लेकिन शर्त है पवित्र बनना और योग युक्त रहना। तो संकल्प करें, हमें अपने लिए समय अवश्य निकालना है, सुंदर स्मृतियों में भी रहना है। हम कौन हैं और किसके हैं, ये याद रखना भी योग अभ्यास है। स्वयं सर्वशक्तिमान हमारा साथी है, उससे हमारा नाता जुड़ गया है, वो हमारा संबंधी बन गया है, वो हमारा रिलेटिव है, वो हमारा डैडी है, हमारी मम है। ये याद रखना भी योग है। तो हम जरा योग की भी धुन लगाएं। बात केवल धुन की होती है, समय की नहीं। समय तो सब के पास है और कार्य करते ही हम इस धुन में, इस लग्न में मग्न रह सकते हैं। केवल लक्ष्य बना लें, हमें योग के सुंदर अनुभव करने हैं। ये सुख जो बाबा हमें देने आया है उसे हमें अवश्य प्राप्त करना है, क्योंकि यदि हम इस समय योग का सुख प्राप्त नहीं कर सकेंगे तो हमारे विकर्म भी दग्ध नहीं होंगे और विनाश काल में हमें अति कष्टों से गुजरना पड़ेगा। कोई ये बिल्कुल न सोचे कि देखा जाएगा तब क्या होगा। वो दिन बहुत भयानक होते हैं। हम आज भी लोगों को धर्मराज की सजाओं से गुजरता देखते हैं। वो क्षण एक एक पल युगों के समान बीतता है, अति कष्टदायी होता है। आत्मा की सारी शक्तियां, शांति और खुशी उसमें नष्ट हो जाती हैं। इसलिए समय से पूर्व ही हमें बाबा की आज्ञाओं का पालन करके
योग युक्त रहकर सच्ची कमाई कर लेनी चाहिए। तो आज सारा दिन देह से न्यारा होने का बहुत अच्छा अनुभव करेंगे। अपने को संकल्प देते रहें, मैं ये देह नहीं हूँ, मैं तो इससे भिन्न हूँ, मैं ये हूँ। अपने स्वरूप को देखें और अपने सामने देखें चमकती हुई महाज्योति को। ज्ञान सूर्य आंखों के सामने चमक रहे हैं। ओम शांति।